हम आपको सूजी की चीज बॉल बनाना सिखाएंगे। तो उससे पहले अगर आपका सब्सक्राइब का बटन अभी भी रेड है तो उसको ग्रे कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अपना थॉट ऑफ द डे जान लेते हैं। तो हमारा थॉट ऑफ द डे है ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। सो वी शुड कल्टीवेट अ हैबिट ऑफ बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स दैट कम टू अस। इसका मतलब है जो भी हमारे साथ अच्छी चीजें होती हैं उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो फिर हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए जिससे हमारे साथ फ्यूचर में और अच्छी चीजें होती हैं। तो फिर चलिए इसी थॉट के साथ अपनी सूजी की चीज बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चीज बॉल बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सूजी, जिसको हमें कढ़ाई में रोस्ट करना है घी या रिफाइंड ऑयल के साथ, और फिर उसमें थोड़ा सा नमक, मैगी नूडल्स का मसाला जो हम सबके घर पे इजीली अवेलेबल होता है उसको डालना है, और मैदा थोड़ा सा आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, और फिर उसमें इतना पानी डालना है कि सूजी उसको अब्सॉर्ब कर ले और आपका आटा गूंद जाए, और आपको उसको कढ़ाई में ही छोड़ देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। और फिर आपको चाहिए होगा मोजरेला चीज और चेडार चीज का मिक्स, हमने अमूल चीज यूज की है, और फिर हमें उस जो आटा हम लोगों ने गूंदा था उसकी पूरियां बनानी है और उसके अंदर हमारी चीज डाल देनी है। आप चाहो तो वेजिटेबल स्टफिंग भी रख सकते हो, जैसे कि आलू और प्याज की स्टफिंग, और फिर हमें इनको फ्राई कर लेना है कढ़ाई में, और हमें इनको लो से मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई करना है। ज़्यादा फ्लेम होगी तो फिर ये जल जाएंगे, और फिर कुछ देर के बाद फ्राई करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हो केचप या चटनी के साथ। तो फिर हम लोगों को तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी थी। तो फिर आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।